Can I ask you one thing? Do you know how to center anything in Photoshop? I know. Even I know more than one trick of that. I know 4 tricks and I'll be telling you all those in this video. So hey guys, my name is Ajit Gupta and you are watching my Photoshop course. So without any further ado, let's go to the topic now. So as you can see बैकग्राउंड में एक यहाँ पे लग्जरी बैकग्राउंड है, इसके ऊपर मैंने एक लेयर बना रखी है जिसके ऊपर अजीत गुप्ता लिखा हुआ है, जिसका नाम भी सेम है। सो ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। जिस भी लेयर के आगे आपको एक ऐसा छोटा सा आइकॉन दिख जाए, समझ जाना कि वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, स्मार्ट ऑब्जेक्ट मतलब अगर मैं उसको कितना भी बड़ा करूँ ट्रांसफॉर्म करके, या फिर कितना भी छोटा करूँ या स्ट्रेच करूँ, कुछ भी करूँ तो वो पिक्सलेट नहीं होगा। ओके, वो पिक्सलेट नहीं होगा मतलब ब्लर नहीं होगा। सो ट्रिक नंबर 1 इज दिस दैट फोटोशॉप अलाउज एवरी यूजर टू यूज वेदर दैट पर्सन नोज फोटोशॉप वेरी वेल और नॉट। अगर उस बंदे को फोटोशॉप आता या नहीं आता कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मली अपने ऑब्जेक्ट को उठाया, अपने अकॉर्डिंग बीचों बीच लेके आते हैं। जैसे ही वो बीचों बीच आ जाएगा तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक पिंक्स दो पिंक्स लाइन दिखेंगी एक्चुअल में, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट गाइड फोटोशॉप में। इन एनी केस अगर आपको वो शो नहीं कर रही तो गो टू शो नाउ यू कैन सी द गाइड्स, स्मार्ट गाइड्स। ओके, मेक श्योर इसके आगे चेक का निशान बनाओ ताकि हमें पता लग जाए कि वो एक्टिव है। अगर वो एक्टिव नहीं होती तो वो आपको पिंक कलर की लाइन नहीं दिखती। ओके, सो द ट्रिक नंबर 2, मैं इसको बाहर लेके जाता हूँ, कंट्रोल A दबाया। नाउ यू कैन सी दीज मूविंग लाइन्स आर नोन एज सिलेक्शन। मेक श्योर जिस ऑब्जेक्ट को या फिर जिस फोटो को आपको बीचों बीच लेके आना है उसके ऊपर क्लिक हो। नाउ क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन दिस। ये सेंटर अलाइनमेंट है, तो बेसिकली ये अलाइन वर्टिकल सेंटर है, मतलब वर्टिकली सेंटर पे अलाइन करेगा, और ये है हॉरिजॉन्टल सेंटर, मतलब हॉरिजॉन्टली अलाइन करेगा सेंटर में। बाय प्रेसिंग कंट्रोल D, डी सिलेक्ट दिस सिलेक्शन। सो नाउ आई हैव अनदर एग्जांपल फॉर दिस, गो टू दिस इमेज। सो ये एक पेज है मेरे पास जो कि 1:1 रेशो का है। 1:1 इन द मतलब कि एक स्क्वायर इमेज है, एक स्क्वायर बैकग्राउंड है, तो उसके ऊपर एक इमेज है जो कि एक पोर्ट्रेट है। तो अगर मुझे इस फोटो को अपने इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर कहीं पे भी लगाना है तो मैं नॉर्मली कैसे लगाऊंगा? अगर मैं ऐसे लगाता हूँ तो बैकग्राउंड में ये साइड में वाइट पट्टियाँ दिखेंगी जो कि बहुत ऑकवर्ड लग रही हैं। ठीक है, तो नॉर्मली वियर्ड लग रही है। नॉर्मली मैं कंट्रोल T दबाता हूँ, तो मैं अब इसको बड़ा करता हूँ। ओके, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, तो ये एक हद से ठीक लग रहा है, बट ये सेंटर कैसे होगा लाइन? तो नॉर्मली मैं कंट्रोल A दबाता हूँ, इस पर क्लिक है और इस पर क्लिक करता हूँ, तो और दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक सेंटर लाइन हो गया। नाउ प्रेस कंट्रोल D फॉर डी सिलेक्शन। तो ये बहुत अमेजिंग लग रही है। ओके, सो द ट्रिक नंबर 3, नाउ यू कैन सी दिस इज़ अ रैप्ड पेपर, आई थिंक यही बोलते हैं। सो उस लेयर पे क्लिक हो, जहाँ मर्जी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके साथ कंट्रोल दबा के अगर मैं बैकग्राउंड को क्लिक कर रहा हूँ तो नाउ यू कैन सी दीज 2 लेयर्स आर सिलेक्टेड। नाउ क्लिक ऑन दिस, नाउ क्लिक ऑन दिस। ठीक है, बैकग्राउंड के साथ या क्या ये किसी के साथ भी हो जाएगा। लेट्स से मैं एक न्यू लेयर बनाता हूँ, एक और कलर भरता हूँ, लेट्स से ब्लैक, बाय प्रेसिंग Alt+Delete। ओके, क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट बाय क्लिकिंग द कंट्रोल। नाउ 2 लेयर्स आर सिलेक्टेड। बेसिकली ऑलरेडी ये सेंटर लाइन है, अगर मैं इसको थोड़ा मूव कराता हूँ, अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये हो गया। ओके, अगर बैकग्राउंड में पूरा कलर ना भरकर अगर कुछ इस टाइप से होता। ओके, और अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड को ना सिलेक्ट करके, इस वाली लेयर को और इस वाली लेयर को, और अब मैं इस पर कर रहा हूँ तो वो उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बीचों बीच आ जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड में क्यों आ रहा है? क्योंकि बैकग्राउंड में एक पूरा कलर भरा हुआ है। अगर या तो वो वाइट हो सकता है या फिर जो मर्जी कलर, क्रीम कलर, कुछ भी वो हो सकता है। नाउ द ट्रिक नंबर 4 विच इज़ स्पेशल टू मी। ओके, नॉर्मली मैं इसको इनविजिबल कर रहा हूँ और इसको जहाँ मर्जी मूव किया। नॉर्मली मैंने मार्केट टूल लिया और एक छोटी सी लाइन बना दी। ओके, और अगर मैं मूव टूल लेता हूँ, मेक श्योर मूव टूल पे क्लिक हो, तभी यहाँ आपको ये अलाइनमेंट के आइकन्स दिखेंगे, अदरवाइज़ नहीं दिखेंगे। ठीक है, अभी सिलेक्शन चल रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्शन के अकॉर्डिंग बीचों बीच आ जाएगा, जितनी दूर सिलेक्शन जा रहा है उसके बीचों बीच। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस जितना बड़ा सिलेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये बीचों बीच आ जाएगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, नाउ लेट मी प्रेस कंट्रोल D। सो हम सिलेक्शन कैसा मर्जी बना सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे ऐसा सिलेक्शन बनाता हूँ, किसी को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस मूव टूल होना चाहिए। नॉर्मली इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया तो उस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। या फिर हम नॉर्मली पूरे पे कर सकते हैं, बाहर से आए, एक बड़ा सा मार्केट टूल से एक बॉक्स बनाया, नॉर्मली मूव टूल लिया, इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, तो ये हो गया। ओके, मैं कंट्रोल A कर रहा था तो उससे भी वही हो रहा था। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल जो इन सब ट्रिक्स में यूज़ होता है बेसिकली। ओके, लेट मी टेल यू बाय गोइंग थ्रू दिस। ओके, सो हमारे पास एक क्राउन की इमेज भी है, सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके बीच में कोई इमेज हो या फिर कुछ भी हो। अगर मैं चाहता हूँ कि इस क्राउन को लेट से मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को इस सर्कल के बीचों बीच लेके आना है। अगर मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है, साथ में बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट किया, और अगर मैं कंट्रोल ए करके करने वाली ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, मूव टूल पे हैं हम। तो ये तो हो ही नहीं था, अब मैं क्या करूँ यार, सबको दो को सिलेक्ट कर लिया, एक तो हो रहा था, अब मैं क्या करूँ, ये तो दिक्कत हो गई ना भाई। तो मैंने कंट्रोल डी किया, सब सिलेक्टेड है, अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, बट ये तो दिक्कत हो गई, ये तो एक के ऊपर एक चढ़ गया, ये तो मैंने नहीं सोचा था। नॉर्मली कंट्रोल ऑल्ट जेड किया, दोबारा किया, ठीक है। अब जिन दो लेयर को आपको एक साथ रखना है, नॉर्मली उन दोनों को सिलेक्ट करो, इस पर क्लिक करो तो उसका एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन द बैकग्राउंड टू बाय प्रेसिंग कंट्रोल, अब इस पर क्लिक करो और इस पर क्लिक करो, तो ये फिट हो गया उसके अंदर। नाउ मैं कंट्रोल टी के साथ इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो ये बहुत कूल लग रहा है ना। तो ग्रुप बनाने की शॉर्टकट की कंट्रोल जी है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो मैंने जितनी भी ट्रिक्स बताई हैं वो सब में यूज़ हो जाएगा। सो गाइज इट इज़ हैपन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर गाइज लाइक माई वीडियो। एक्चुअली गाइज मेरी वीडियो में लाइक्स नहीं आ रहे, प्लीज़ गाइज लाइक करो यार, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, वही मेहनत, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको पता लग जाए, पता तो लग ही जाएगा। इस बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना गाइज। मेरा जो एवरेज लाइक जा रहा है वो 6 जा रहा है एक नई वीडियो पे, तो मैं चाहता हूँ वो 7 तो हो, एटलीस्ट 7 हो, ओके। एक जना भाई थोड़ी मेहरबानी कर दो, आई नो एवरी ऑफ द गाय लाइक माई वीडियो, बस लाइक करने में पता नहीं क्यों कतरा जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।